मुजफ्फरनगर से आई खबर, पुलिस के पास पहुंचा दानिश, सीएम योगी से लगाई गुहार। वैसे तो पुलिस स्टेशन में लोग कई तरह की रिपोर्ट दर्ज कराने जाते हैं, कोई चोरी की रिपोर्ट लिखवाता है तो कोई किसी और मामले में पुलिस स्टेशन जाता है, लेकिन दानिश के पुलिस स्टेशन जाने की वजह आपको हैरान कर सकती है। आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये दानिश कौन है। मुजफ्फरनगर पुलिस स्टेशन में दानिश एक ऐसी फरियाद लेकर गए जिसे सुनने के बाद पुलिस के लिए भी उसका हल ढूंढना मुश्किल हो रहा है, क्योंकि 3 फीट के दानिश ने पुलिस से अपनी शादी ना होने का दर्द बयां किया है, पुलिस से इस मामले में मदद करने की अपील की है और साथ ही सीएम योगी से भी गुहार लगा डाली है। तो चलिए आपको बताते हैं आखिर क्या है पूरा मामला और दानिश क्या मांगे कर रहे हैं। जानकारी के मुताबिक मुजफ्फरनगर के खतौली कोतवाली क्षेत्र के ढाकन चौक में रहने वाले 20 साल के दानिश दिव्यांग है। उनकी लंबाई 3 फीट है। 2 दिन पहले दानिश कोतवाली पहुंचे और उन्होंने थाना अध्यक्ष को प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ के नाम से ज्ञापन दिया। इस ज्ञापन में उन्होंने अपनी दिव्यांग पेंशन बनवाने की मांग की और इसके साथ ही सीएम योगी से ये भी गुहार लगाई कि उनकी शादी कराई जाए, क्योंकि छोटा कद होने के कारण उसे कोई लड़की नहीं मिल पा रही। बताया जा रहा है कि दानिश इन दिनों काफ़ी परेशान है। इस परेशानी के पीछे की वजह यह है कि वो काफ़ी वक्त से अपनी शादी रचाने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन कोई कामयाबी नहीं हाथ लग रही। ऐसा नहीं कि उन्होंने कभी किसी के यहाँ रिश्ता नहीं भेजा। दानिश ने कई लड़कियों को शादी का प्रस्ताव दिया लेकिन कभी भी जवाब हाँ में नहीं मिला। अब थक हार कर उसने कोतवाली थाने में इंस्पेक्टर संजीव कुमार को मेमोरेंडम सौंप कर शादी कराने की गुजारिश की है। दानिश का कहना है कि कद कम होने की वजह से उसकी शादी में काफ़ी परेशानी आ रही हैं, काफ़ी अड़चने आ गई हैं। अभी दानिश की उम्र महज 20 साल है। जाहिर है कि दानिश ने बताया कि उसने अपने कम कद होने की वजह से घर के कामकाज में भी उसे मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। उसकी अपनी कपड़े की दुकान है। दानिश को उम्मीद है कि छोटे कद के शख्स कैराना के रहने वाले जब अजीम मंसूरी की शादी हो सकती है तो उसकी क्यों नहीं, एक ना एक दिन उसे भी कामयाबी मिलेगी, उसकी भी शादी हो सकती है। बता दें कि दानिश 4 भाई बहनों में सबसे छोटा है। उसके 3 भाई और 1 बहन है। दानिश सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहते हैं और इसी वजह से अपने वार्ड में सभासद का इलेक्शन भी लड़ने का इरादा रखते हैं। दानिश की माने तो वह इस बार अपने वार्ड नंबर 9 से सभासद का चुनाव लड़ना चाहते हैं। उनका कहना है कि उन्हें पैसों की सख्त जरूरत है क्योंकि घर में दिक्कत चल रही है। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए वन इंडिया हिंदी।